सुप्रभात मानवर, मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें हैं आपकी सेहत की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसे वीडियो जिसमें होती है आप सभी के रोगों के समाधान से संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि कैल्शियम की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, साथ ही कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर की कैल्शियम की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है और हमारे कैल्शियम की कमी के चलते जो शरीर में लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं वो सारी समस्याएं और लक्षण समाप्त हो जाते हैं। तो साथियों, कैल्शियम की कमी के लक्षणों में हम पहले देखते हैं तो वह है उंगलियों में सुई सी चुभन होती है, ये उंगलियां या हाथ सुन्न हो सकते हैं, यानी कि उसमें नमनेस की शिकायत हो सकती है। साथियों, मांसपेशियां में क्रैम्प आने लगती है। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो यह शिकायत मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अगर कैल्शियम की कमी शरीर में होगी तो याददाश्त में भी कमी देखी जाती है। साथ ही जिनमें कैल्शियम की कमी है उनमें भूख की भी कमी देखी जाती है। कैल्शियम की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो साथियों जो हाथ के नाखून हैं ये नाखून भी खुरदुरे हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। साथ ही हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और उसमें दर्द रहने लगती है। साथियों, ये सारे लक्षण हैं जो अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो ये देखने को मिलते हैं। साथियों, ये जो कैल्शियम की कमी होने का मुख्य कारण है उसमें है पौष्टिक भोजन का अभाव। अगर हम सही तरीके से पौष्टिक भोजन अगर नहीं ले पा रहे हैं जिसमें कैल्शियम की कम मात्रा अगर शरीर में कम होती है तो सबसे मुख्य कारण यही है, पौष्टिक भोजन का अभाव। दूसरा है पाचन शक्ति का कमज़ोर होना। अगर पाचन शक्ति कमज़ोर है तो अगर हम कुछ भी कितना भी पौष्टिक भोजन कर रहे हैं तो ये हमारे शरीर को कैल्शियम की मात्रा सही ढंग से मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, और सही ढंग से कुछ भी खा रहे हैं और पच ही नहीं रही है तो विटामिन से लेकर कैल्शियम कोई भी शरीर में सही मात्रा से मिल नहीं पाएगी। साथियों, अगर कोई रोग है जैसे किडनी का रोग, थायराइड का रोग, तब भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। साथियों, एक और कारण होती है कि अगर शरीर की कैल्शियम को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है अगर कमज़ोर हो गई है तब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। साथियों, अगर हम खाने में दूध की मात्रा कम ले रहे हैं तो यह भी एक मुख्य कारण है कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। साथियों, अगर हमें कैल्शियम की पूर्ति करनी है तो सबसे पहले आपको अगर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो सबसे पहले किचन में आपको जो भी भोजन बन रही है उसमें आपको ऐसी पौष्टिक सामग्रियों का आपको लेनी पड़ेगी कि जो हमारी कैल्शियम की कमी की पूर्ति कर सके, इसलिए हमारा जो भोजन हो वो बहुत ही संतुलित हो। साथियों, इसमें दूध की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, दूध हमारे शरीर की जो कैल्शियम की कमी है उसको पूर्ति करने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथियों, आप कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो इसे अधिक दिनों तक आप न लें, क्योंकि कुछ पैथों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, कैल्शियम सप्लीमेंट लगातार लेते हैं तो आपको किडनी स्टोन होने की खतरा रहती है। इसलिए अगर कैल्शियम की कमी है तो होम्योपैथ इसका सबसे बेस्ट विकल्प है। होम्योपैथ का जो कैल्शियम है वह अगर आप लेते हैं तो कैल्शियम की कमी की पूर्ति आपको शीघ्र ही होम्योपैथ द्वारा कर दी जाएगी और उसकी जो दवा है बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, कैल्शियम की
जो खुराक है, और बच्चों को जब साल एक साल का होने को हो तो ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब बच्चों को दांत निकलने का टाइम हो रहता है उस वक्त कैल्शियम की मात्रा बच्चों में चाहिए। उस वक्त भी होम्योपैथी के जो कैल्शियम है अगर बच्चों को देते हैं तो दांत निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी, बच्चे का हड्डी भी मजबूत रहेगा, साथ ही पेट के जो खराबी रहती है वो भी ठीक रहती है। साथियों, तो आइए जानते हैं होम्योपैथ का जो मुख्य कैल्शियम की दवा है उसके विषय में हम आपको बताते हैं। साथियों, आपको इस दवा का नाम बताएं उससे पहले आपसे एक बहुत ही छोटी सी सादर आग्रह है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो उसे लाइक भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना साथ में ना भूलें। साथियों, जो होम्योपैथी की जो कैल्शियम की दवा है उसका नाम है कल्केरिया फॉस 6x। ये जो कल्केरिया फॉस 6x मेडिसिन है यह कैल्शियम की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। साथियों, अगर आप 12 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को देना चाहें तो 6 गोली 3 बार करके आप दे सकते हैं। इसे डायरेक्टली मुंह में डालकर हम चूस सकते हैं, ये थोड़ी देर के बाद ही यह जो कैल्शियम की गोली होती है गल जाती है। साथियों, अगर साल भर के 0 से लेकर 1 साल तक के जो बच्चे हैं उसे 1 गोली 3 बार करके दे सकते हैं। 1 चम्मच सुषुम हल्का सा गर्म पानी, जिसे हम सुषुम पानी कहते हैं, उसमें 1 गोली डाल दें। जब वो गोली पूरी तरह से डिजल हो जाए, गल जाए, तो हम जो 0 से 1 ईयर का जो बच्चे हैं उसे हम दे सकते हैं। और बच्चों को यह देने से कैल्शियम की कमी की पूर्ति होती ही है, साथ ही दांत निकलने में कोई परेशानी नहीं होती। उससे ऊपर के जो बच्चे हैं 1 साल से लेकर 5 साल तक जो बच्चे हैं या 12 साल तक का 4 गोली 3 बार आप करके दे सकते हैं। साथियों, जो 12 साल से ऊपर हैं, एडल्ट हैं, उनको कैल्शियम की अगर कमी शरीर में देखी जा रही है, जो मैं लक्षण बताया हूँ, अगर ये लक्षण आ रही है या कोई जांच में आपको कैल्शियम की कमी बताई गई है तो आप 6 गोली 3 बार करके ले सकते हैं कल्केरिया फॉर 6x। साथियों, कल्केरिया फॉर 6x की SBL की कंपनी की आप ले सकते हैं, अच्छी कंपनी है, विदेशी कंपनी की लेने से अच्छा होगा SBL का। 25 ग्राम का पैक लें और किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो शॉप है वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं कि 6 गोली 3 बार करके अगर लेते हैं तो यह कैल्शियम की कमी आपकी पूरी हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। साथियों, जब भी आप कोई मेडिसिन ले तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर ले और उनकी परामर्श से ही मेडिसिन ले। थैंक यू, धन्यवाद।